राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और उस यात्रा के तहत बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और चुनावों को लेकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आज राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी और यात्रा से पहले आप देखिएगा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग जनसमूह उमड़ा है इनसे हम लोग जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। नेता तो चाहेंगे कि उनकी सरकार बने, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जनता क्या चाहती है। जनता अगर चाहती है वही होता है। मैं एक एक करके बात करने की शुरुआत करूंगा। बाबा जी राम राम सा। राम राम सा। क्या नाम है आपका? मारा नाम सोनाराम है। सोनाराम जी कयो गांव थारो? काश्मीर। काश्मीर तो के चाहो हमें के माहौल बनुड़ो है? माहौल तो मैं पब्लिक भेड़ी हुई है देखा हूँ, माहौल जो हो अपने आप भेड़ा सब भेड़ा ही। हाँ, सब भेड़ा ही होगा। तो शिव में की बीजेपी के माहौल है? बीजेपी तो माहौल ठीक ही है, बढ़िया मोड़ो है, बढ़िया है, बढ़िया है। आगे डो तो बीजेपी में बींद कई बनोड़ा है? कयो बींद हकरो लागे? बींद तो हम सब बनोड़े ही हैं, कपड़ों में हैंग लड़ी है। कपड़ों में हैंग लड़ी है और जो काम करी वो बढ़िया है। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन एक सबसे अच्छा नेता यहाँ को हो सकता है और विकास कर सकता है? हमको सब ऐसे ही है कि मोहरत कुछ नहीं है, काम करे। आप बताओ भाई साहब, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? सब बहुत बढ़िया, धन्यवाद है तुम्हें, बहुत अच्छा है। अच्छा, बीजेपी माहौल करो शिव में, अमीन खान तो करे, मैं पाचा जीत रहा हूँ। सब कर देंगे, सब सब बराबर हमारे साथ है, जो भी जीत है, जो की जीत है। थे तो खाली मीटिंग जोड़ना है, मैं तो है ना, कहीं उनके कई लाभ है, मैं जोड़ वास्ते आया, शोक वास्ते आया बस। अच्छा, आप बता भाई साहब, क्या नाम है? मोहनलाल जी, क्या सोचते हैं आप, क्या क्या लगता है शिव में क्या माहौल है? बीजेपी, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी में किसको लोग पसंद करते हैं? नेता तो खूब सारे हैं। हमारे को जालम सिंह जी पसंद है। जालम सिंह जी, जालम सिंह जी पसंद है। आप बताएं सर, आप क्या सोचते हैं? बीजेपी को लाना चाहते हैं बस, कांग्रेस। ऐसा क्यों? कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं हमने तो खूब काम किए, मतलब काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, उस वजह से काम नहीं हो रहा है। तो बीजेपी में किसको चाहते हैं शिव में? कभी बीजेपी वो नेता आए तो चलो ठीक है। जालम सिंह रावलोत। जालम सिंह रावलोत को चाहते हैं। आप बताएं बाबा जी, क्या नाम है आपका? जलाल। जलाल नाम। जलाल नाम। जलाल कहाँ से हो आप? जलाल जी आप जालम सिंह ना देसा? ठीक है, जालम सिंह ना देसो कि भलो काम कर रहे हो कजी कर आप कर सर। अमीन खान को करें? सही कह रहे हैं। अमीन खान को करें? अमीन खान। अमीन खान कर सर। अब आज कर रहे हो कहीं काम ना? वो कर रहे हो। आप बताओ सर, क्या नाम है आपका? नकद सिंह। अच्छा, क्या माहौल है शिव में, कैसा माहौल बना हुआ? माहौल बीजेपी का अच्छा रहेगा। बीजेपी में कौन नेता होना चाहिए आपके हिसाब? जालम सिंह या जालम सिंह होने चाहिए। आप बताएं भैया, आप युवा है, क्या चाहते हैं? मेरे को बीजेपी चाहिए। बीजेपी में जालम सिंह या स्वरूप सिंह? जालम सिंह या स्वरूप सिंह। आप बताओ बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा कबीरा राम, पादरिया गांव। पादरिया गांव से आए हो, तो क्या माहौल है शिव विधानसभा क्षेत्र में? अच्छा, जालम सिंह आना चाहिए। जालम सिंह आना चाहिए। पंचायत बने पादरिया, सूराली, खुदाड़ी, काम बहुत किया जालम सिंह ने, काम बहुत किया है। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? पादरिया आगरा राम। पादरिया से आए हो, क्या माहौल कैसा है शिव में? अच्छा है। कौन नेता होना चाहिए आपके हिसाब से? जाल जी। जाल जी होने चाहिए। देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपने अपने पसंद के नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ जो है जिस तरीके से भाजपा के नेता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यहाँ की जनता वाकई में परिवर्तन चाहती है या फिर यहाँ की सरकार को रिपीट करवाती है।